नमस्ते। टेस्टी खाना बनाना में मैं बंदना आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ क्ले पॉट में, मतलब मिट्टी की हांडी, मिट्टी का बर्तन बोल लो, उसमें खीर बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और पहली बात ये है कि मैं मिट्टी के बर्तन में पहली बार कुकिंग भी करूँगी, मुझे एक्सपीरियंस करना था। मेन तो खीर खाना था, इसीलिए ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर मैं मिट्टी का बर्तन ला के आपको किस तरह से यूज़ करना है, उसको उसकी सीजनिंग कैसे की जाती है, स्टेप बाय स्टेप आपको वो चाहिए ना, तो उसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप चेकआउट कर सकते हो। उस तरह से करके आप उसमें कुकिंग कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि मैं थोड़े टाइम तक यूज़ कर लूँगी, खाना बनाऊँगी, मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, उसका भी वीडियो बनाऊँगी कि कितना अच्छा है या नहीं है, जैसा भी रहेगा। लेकिन आज तो मैं आप लोगों के साथ खीर बनाने जा रही हूँ। चलो हम शुरू करते हैं बनाना। क्विक खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप चावल ले लिया था, बढ़िया वॉश करके आधे घंटे पानी में भिगा करके रख दिया था ताकि ये फूल जाए। चावल आप कोई भी ले सकते हो। और आधा एक कप ड्राई फ्रूट्स ले लिया है, ये ऑप्शनल है, चाहे तो डालें नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। काजू बादाम पिस्ता मैंने इस तरह से काट लिया है। और ये जल्दी क्यों बनेगा, कैसे बनेगा खीर, वैसे दूध जलाकर बनाओ तो बहुत टाइम लगता है। जल्दी का मतलब ये था, या तो मावा डाल दो या तो मिल्क पाउडर आधा कप ले लिया है, एकदम होल मिल्क पाउडर है ये, इससे जल्दी थिक हो जाएगा, ज़्यादा हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। है तो डालो, नहीं तो दूध जला करके ही एकदम बढ़िया बना सकते हो। चावल को इसलिए भिगाया था क्योंकि इतने खड़े खड़े चावल का तो खीर नहीं बनाएंगे, चावल एकदम छोटा छोटा चाहिए इसके लिए, जिसका बहुत ही स्वादिष्ट होता है। कुछ लोग बड़े बड़े चावल से भी बनाते हैं, लेकिन खीर जो है एकदम जो छोटे छोटे पीसे इसके रहते हैं ना, ये ऐसे जब रहते हैं ना चावल, इसका ना खीर अमेजिंग लगता है। हाथ से ही हम मैश कर देंगे इसको, पूरा तोड़ लेंगे चावल को, एकदम ईजिली टूट जाता है। मार्केट में टूटा हुआ चावल भी आता है, अगर ये प्रोसेस में नहीं जाना है आपको तो। इतना बारीक हमें इसको तोड़ लेना है, एकदम मसल मसल के, डरना मत हाँ, एकदम मसल मसल के तोड़ेंगे, एकदम बारीक हो गया है। और ऊपर से अब शक्कर और इलायची का पाउडर डालेंगे जब ये खीर हमारा पक जाएगा तो। खीर को हांडी में बना रहे हैं, मतलब मिट्टी के बर्तन में बना रहे हैं, तो मिट्टी का बर्तन कभी भी कोई भी यूज़ करना चूल्हे के ऊपर, तो फ्लेम एकदम स्लो करके चालू करना, मीडियम लो फ्लेम से। धीरे धीरे जैसे जैसे ये गर्म होता जाएगा वैसे वैसे फ्लेम को हाई कर सकते हैं, लेकिन सीधा रख के और एकदम हाई फ्लेम पे इसको गर्म करोगे ना, कभी कभी क्या होता है क्रैक हो जाते हैं, ठीक है। इस चीज़ पे आप ध्यान देना, बहुत बारीक चीज़ बता रही हूँ। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा घी, 1/4 टीस्पून डाल दिया है मैंने, और फ्लेम को मैंने पहले से ही ऑन करके रख दिया था, थोड़ा सा गरम हुआ है, देखो एकदम धीरे धीरे ये गरम होगा पॉट। अब इसमें हमें ये फ्राई करना है राइस, ये डाल देंगे पूरा। कभी भी क्ले पॉट में अगर मैं कुकिंग करें तो हमेशा जो वुडन का स्पून आता है या सिलिकॉन का जो आता है वही इस्तेमाल करना है, इसमें स्टील वगैरह का मत इस्तेमाल करना, क्योंकि हमारा ये जो क्ले पॉट है वो डैमेज होने के चांसेस उसमें बहुत ज़्यादा रहते हैं। कॉन्स्टेंटली चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे, मैंने अब फ्लेम को मीडियम पे कर दिया है, मीडियम फ्लेम पे हमें इसको थोड़ा सा भून लेना है। इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना होता है, 30 से 40 सेकेंड इसमें इनफ होता है। फ्लेम को एकदम स्लो पे कर दिया है, इसमें कोई कलर नहीं आने देना है, बस थोड़ा सा, बस खाली भुनना है, एकदम सुखाना रहता है इसको। थोड़ा सा ऊपर का लेयर जो है थोड़ा सा लिटिल बिट हार्ड हो जाता है, वो उतना ही करना रहता है, बहुत मामूली सा। अब इसमें हम डाल देंगे मिल्क, अब उसी कप से मैं मिल्क भी अंदाज करके डाल रही हूँ, 2 कप हो गया। अब हम फ्लेम को मीडियम हाई पे कर देंगे, 3-4 रूम टेम्परेचर का मिल्क है वो मैंने इस्तेमाल किया है। एक बार इस तरह से मिक्स कर दिया है ताकि नीचे जो लगा था ना जब फ्राई कर रहे थे, भून रहे थे, वो अच्छे से छूट जाए, तो वो हो चुका है। अब हम इसको पकने देते हैं मीडियम फ्लेम पे, बस पकाना ही है, थिक करना है। जब राइस ना
जब ये पक जाएगा ना, जब एकदम अच्छे से कुक हो जाएगा, प्रेस करके देखेंगे, जब कुक हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे शक्कर। जब तक चावल नहीं पकेगा ना, तब तक आप शक्कर मत डालना। नहीं, पहले शक्कर डाल दोगे ना तो चावल नहीं कुक होगा आपका, जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं होगा कुक। इस चीज़ पे ध्यान देना, बहुत बारीक चीज़ बता रही हूँ। मुझे 4 कप मिल्क थोड़ा सा कम लग रहा है तो 1 कप और डाल दे रहे हैं। इसमें ज़्यादा हो गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम जितना इसको पका देंगे उतना तो और टेस्टी हो जाएगा। बस इससे ज़्यादा हम नहीं डालेंगे, लेकिन पूरी टाइम इस पर ध्यान देते रहना ताकि उबल के बाहर ना आए, इस चीज़ पर ध्यान देना। अच्छा लग रहा है इसमें कुकिंग करना, बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम बना रहे ना, पहला एक्सपीरियंस है हमारा इसमें, पर अच्छा लग रहा है। ये जो हमने ड्राई फ्रूट काट करके रखा है, या तो इसको थोड़ा सा घी डाल करके फ्राई करके भी डाल सकते हो, नहीं तो मेरी तरह इस तरह से कच्चा भी डाल सकते हो। साथ में ही जब तक चावल कुक होगा ये भी एकदम बढ़िया पक जाएगा इसमें। बस अब क्या करना है, हमें वेट ही करना है चावल पकने का, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। बीच बीच में मिक्स करना ना भूलना, आज के ऊपर ध्यान देना ताकि ये फैले ना, ऊपर बॉयल ना आ जाए इसका। राइस एकदम बढ़िया पक गया है, इसको लेके ना थोड़ा सा मैश करके देखेंगे ना, एकदम बारीक मैश हो जा रहा है, बिल्कुल भी इसमें कच्चापन नहीं है, क्योंकि ये छोटे छोटे दाने हो गए हैं ना, तो पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। अब यहाँ पे मैंने 1/2 कप से थोड़ा सा कम मैंने शक्कर ले लिया है, इसी स्टेज पे हम डाल देंगे, क्योंकि राइस पक गया है, शक्कर हम डाल सकते हैं। मीठा आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डालना, मैं थोड़ा कम मीठे के साइड में डाल रही हूँ। अगर मैं आपको बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा या 1 कप भी डाल सकते हो, वो आप डिसाइड कर लेना। क्योंकि मैं थोड़ा सा कम खाती हूँ इसलिए थोड़ा कम ही यूज़ कर रही हूँ। अब ये दूध जो है उठाकर डाल देंगे, मिल्क पाउडर जो था ये डाल दिया, मिक्स कर देंगे। अब इसमें बिल्कुल टाइम लगने वाला नहीं है, अब ये तुरंत रेडी हो जाएगा, मतलब 20 मिनट पका लेंगे, फिर भी 20 मिनट पका लेंगे। खीर बन गया है, कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, इतना थिक रखा है, क्योंकि अभी चूल्हे पे ही अगर पूरा थिक कर देंगे ना, गाढ़ा कर देंगे ना, तो जब ठंडा होगा ये खीर तो एकदम चावल हो जाएगा, खिचड़ी जैसा, एकदम सूखी खिचड़ी नहीं होती है उस तरह का हो जाएगा, खीर वैसे नहीं अच्छा लगता है ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा इतना पतला बनाया है ताकि ठंडा होने के बाद मुझे इसमें एक्स्ट्रा दूध गर्म करके ना डालना पड़े, पूरा टेस्ट एकदम भरपूर मिल पाए। अब इसमें हम डाल देंगे 1/3 टीस्पून इलायची का पाउडर, मिक्स कर देंगे। इतनी अच्छी खुशबू आ रही, मैंने टेस्ट कर लिया है, अमेजिंग टेस्ट आ रहा है इसका। इतना है कि जब पॉट में पहली बार आप बना रहे हो कोई भी चीज़, ज़रूर आपको थोड़ा सा अलग लगेगा वो, क्योंकि ये जो क्ले है इसका टेस्ट आपको खाने में जो बनाओगे आपको थोड़ा तो मिलने ही वाला है। अगर मैं एकदम नया नया है तो थोड़ा धीरे धीरे यूज़ करते जाएंगे, थोड़ा पुराना होता जाएगा तो वो स्मेल धीरे धीरे चला जाएगा, लेकिन टेस्टी बहुत लग रहा है। और इतना बढ़िया ये बहुत जल्दी बना हुआ है, बहुत जल्दी, ऊपर इतना पॉट इतना ज़्यादा गर्म नहीं रहता है कि आप टच करोगे और जल गए आप, नहीं, आप देखो अभी बॉयल ही हो रहा था ना, अभी जस्ट बंद किया मैंने फ्लेम को, और पकड़ सकते हो इसको इस तरह से, पकड़ उठा नहीं सकते हो लेकिन इस तरह से पकड़ सकते हो, इतना ज़्यादा गर्म नहीं है। टेस्ट किया, इसमें जो शुगर डाला है एकदम परफेक्ट है, ये खीर बन करके रेडी हो गया है। अब गर्मा गर्म बनाओ और सर्व करते जाओ सबको, और बनाकर इसी में मत छोड़ देना, इसको दूसरे जैसे स्टील के टोप वगैरह में निकाल करके सेपरेट रख करके पॉट को बढ़िया, जो पिछला वीडियो देखोगे उसमें सब इसकी विधि के जैसे टेक केयर करना है वो सब आपको मिल जाएगा पिछले वीडियो में, जो मैंने सीजनिंग का किया है इसका, उस तरह से वॉश करके धूप में सुखा करके पॉट को तब रखना, ठीक है, इस चीज़ पे आप ध्यान देना। अब खीर तो बन करके रेडी हो गया है, कैसा लगा ये रेसिपी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताना। देखो कितना बढ़िया,
अच्छा, जो बोलते हैं ना मिट्टी की हांडी में खाना बनाओ तो बड़ा सोना सोना वाला फ्लेवर आता है, सच में बता रही हूँ। जो भी बनाओगे बड़ा सोना सोना ही आने वाला है, एकदम मिट्टी की खुशबू इसमें आती ही आती है। ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताना। मेरे इस वीडियो को, मेरे इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक जो नहीं होंगे इस चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। और मैं आप लोगों को नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलती हूँ। थैंक यू, बाय।